करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने सीएसएस के थ्रू देखा था कि मीडिया क्वेरी का यूज करके हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाने का काम करते हैं, जिसमें अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग डिजाइन को हम लोगों ने उसको अकॉर्डिंग टू डिवाइस हमने सेट कर दिया था। अब उसी चीज को जो कोड हम लिख रहे थे वो कोड थोड़ा सा सीएसएस में लिखने के लिए, जैसे मोबाइल के लिए सीएसएस लिखना एक अलग हो जाता था और फिर हमें मोबाइल के लिए सीएसएस दोबारा से लिखना पड़ता था, टैबलेट के लिए भी सीएसएस लिखना पड़ता था। तो वो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब ये है कि बूट का मतलब ही होता है स्टार्ट करना, मतलब आप किसी भी चीज को इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हो बिना कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग किए। मतलब हमें सीएसएस की बहुत सारी कोडिंग नहीं करनी है, केवल एक हमें पर्टिकुलर लिंक लगाना होगा। उस चीज को हम क्या करेंगे, लिंक लगा करके ऑटोमेटिक हम एचटीएमएल का पूरा रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप या तो डाउनलोड करके काम करेंगे या तो हम सीडीएन लगा करके काम करेंगे। तो पहले थोड़ा सा अभी पर्पज तो समझ में आ गया कि बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप का मेन पर्पज है कि हमें रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग बनाना है तो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। अगर रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के बारे में आइडिया नहीं तो मीडिया क्वेरी कम से कम थोड़ा सा आपको आइडिया अगर रहेगा तो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग ज्यादातर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मीडिया क्वेरी में यही चीजें सीखते हैं हम लोग की सीएसएस में, कि कैसे हम छोटी डिवाइस पे अपने डिजाइन को एडजस्ट करेंगे, कैसे हम बड़ी स्क्रीन पे डिजाइन को एडजस्ट करेंगे, मीडियम डिवाइस पे कैसे हम स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप लगाएंगे और बूटस्ट्रैप पे कैसे हम वर्क करेंगे, या फिर अपने एचटीएमएल में हम बूटस्ट्रैप को कैसे हम यूज करेंगे। तो ये तो रहा बूटस्ट्रैप का छोटा सा इंट्रो टाइप का, अभी हम उसको देखेंगे कैसे डाउनलोड करेंगे या सीडीएन कैसे लगाएंगे।